गुड मॉर्निंग बेटा। अभी तक कौन कौन ज्वाइन कर लिया? मैथ में पांडा, विप्सा, जिज्ञासा, राहुल, ज्योति, सिद्धार्थ, स्वर्णिका और शुभम नायक। बाकी सब आराम कर रहा है अभी 8:02 तक। आज तो मैं सबका मैथ्स वाले सारे बच्चों को, हाँ मैंने बोला है फर्स्ट पर, आज मैं सारे बच्चों को वीडियो ऑन करके देखूंगा, स्पेशली वहां के वो 5-6 बच्चे जो पारादीप के, यानी आज मैं अभिप्सा, जिज्ञासा, बाकी सब देखते हैं कब ज्वाइन करती है, रिजिता, स्वयं, ये चारों लड़की, लकड़ी पे मेरा ध्यान नहीं, मतलब माइक ऑन करके सब कुछ ऑन करके गायब हो जाती है। अरे क्या रे सीता, आज तुम लोगों का वीडियो ऑन रहेगा, जितने बच्चे हैं सबका अपना वीडियो ऑन रखेगा, मैं रेंडमली किसी को भी देखूंगा कि क्या कर रहा है, कितना लिख रहा है। पांडा ब्रदर्स, तू लोग तो और सुन ले, तू लोग भी नहीं लिख सकते हैं, मुझे कर सब लेता हूँ। पता, समझ रहे हो? समझ रहे हो? प्रीवियस क्लासेस में किसी को जहाँ पारा एलिप्स में प्रॉब्लम है वो बोलो। हम कहाँ तक कल बात किए थे? डायरेक्टर्स तक। अभी तक देखो बाकी सब सोया हुआ है, कहाँ है रे सब? आ रहा है, जा रहा है, सर गुड मॉर्निंग। कौन है? प्रियांशु। सर सुमरंजन, सौम्यरंजन नायक, तुमको भी देखेगा, तू लोग पूरा पारादीप वाला सब ना वासी को उतर आया है, लकड़ा हो या लकड़ी सबका पता चला है, तुम लोग टीचर के द्वारा सारा फीडबैक मिला है, उस दिन घंटों भर बात ही किया उनसे, तुम लोग के बारे में सब करतूत बता रहे थे, अच्छे अच्छे कहानियां सब ऑन करके रखेगी, स्पेशली पारादीप की चारों लकड़ियां, तीन तो दिख रहा है और सौम्या तू भी, चार और चौथी लकड़ियां तो भी आने वाली है। चलो हम आते हैं अब टॉपिक पे, जो ज्वाइन किया सो किया, आराम से सब ज्वाइन करते, हड़बड़ी नहीं है, बुक में लिखा हुआ है ना, हो जाएगा, देखते ही हो जाएगा, नहीं रे सीता, सीता ये लड़की ज्वाइन करके गायब हो गई। जिज्ञासा, वो सर हूँ मैं। यस अच्छा सर। फोन किया कि हाँ सर तो आवाज दे रहे हैं, चल तो सब वीडियो ऑन कर तो देखे सब है कि नहीं आज क्लास में। देखते हैं कौन कौन वीडियो पे है, एक भी नहीं दिख रहा। देखो अगर क्लास में नहीं रहोगे तो 7th के बाद तो सबसे मुलाकात होगा, 7th को ही मुलाकात होगा, फिर पता चलेगा कि क्या सीन है। हाँ बिल्कुल, सबके सब कैमरा ऑन करेगा। चलो हम लोग देखते हैं, आगे की बात करते हैं, कैमरा ऑन करने में क्या हो रहा है, सबकी सबको दिक्कत? सौम्या का कैमरा ऑन है। हाँ बोला स्मरणिका, अच्छा ऐसी बात है, वो पता है तुम तो पढ़ती होगी ना, बाकी कितने बच्चे हैं जिनको अभी समझ नहीं आ रहा है एलिप्स, फिर से आ जाए एलिप्स पे हम बात करते हैं। प्रीवियस क्लासेस में हम लोग डायरेक्ट्रिक्स देखा था, दो वर्टेक्स हैं एलिप्स के, ठीक है देखो ये जो लाइन गुजर रही है ये तुम्हारा मेजर एक्सिस है और ये माइनर एक्सिस है, ये सेंटर है,
यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 2a है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस 2a होता है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस c2c, c मत बोल देना 2c, ओरिजिन से यहाँ तक का डिस्टेंस, ठीक है, is equal to a by e, और ओरिजिन बोल दिया तो सेंटर से आपका डिस्टेंस a अपॉन e, क्योंकि ये सेंटर अभी ओरिजिन ही है, और फिर इधर लेफ्ट की तरफ x equal to minus a by e, ये डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन है x equal to minus a by e, ये भी डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन है x equal to a by e, ठीक है। देखो ये पॉइंट p से हमने आपको बता रखा है PF1 प्लस PF2 का डिस्टेंस ऑलवेज 2a के बराबर होता है, ठीक है। देखो फोकल डिस्टेंस, द सम ऑफ द फोकल रेडियाई, द सम ऑफ अ फोकल रेडियाई सौम्या, अभी स्वयं अभी ज्वाइन करने का टाइम भी वर्ड है, शिव सुंदर अभी टाइम हुआ है ज्वाइन करने का, गधे हो क्या तुम सर कि बिना सिंह के बैल हो, ओमकार ये टाइम है ज्वाइन करने का रे, मतलब अभी समय देख रहे हैं कितना हो रहा है, 8:09 पे ज्वाइन करेगा 10 मिनट में, क्या लिखते भी हो कि इसी तरह से स्क्रीनशॉट टूल मार लेते हो, हाँ वीडियो चल रहा है स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, क्या लिखना आ जाओ साथ के बाद सबसे निपटते हैं बारी बारी से, मालूम है जूता कितने दिनों से गंदा है, ठीक है, ये सारा गंदा जूता तुम लोगों से साफ करवाएंगे, तुम्हारे शरीर में साफ करेंगे, पता है ना, बैल कहेंगे, मतलब कुछ भी तुम लोगों को पढ़ने से कोई मतलब ही नहीं है, 10 मिनट लेट ज्वाइन करो, जब से यहां से गया इंटरेस्ट ही खत्म हो गया पढ़ने से, क्या 2+2 पढ़ाओ, सम सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन पढ़ाओ, समझ में आता तो पूछ नहीं सकते, अब कौन गधा ज्वाइन किया, मर गया डाइव से घूस के वहीं पे लतियां है, क्या रे मनोज ये टाइमिंग है ज्वाइन करने का रे, रोहन कुकुर है क्या तू, सब जानवर है क्या, खाका के सोया रहता है इतना देर तक, टाइम 8:10 क्लास का क्या, फिर समझ नहीं आएगा लिप्स से, समझ नहीं आया रिपीट कर दीजिए, चुप मौन, माइक हटा के कहीं चला गया होगा साइड में, कौन भाई कौन सुन रहा, सुनना ही नहीं है सर कटा, चल लिख, द सम ऑफ द फोकल रेडियाई ऑफ एनी पॉइंट ऑन द एलिप्स, द सम ऑफ द फोकल रेडियाई ऑफ एनी पॉइंट ऑन द एलिप्स is equal to the length of the major axis, is equal to the length of major axis, ये देखो ellipse के किसी भी point पे, यहाँ पे तो point P है, P से दोनों focus के बीच का जो distance का sum होगा यहाँ तक की distance के बराबर होगा, यानी major axis के length के बराबर होगा, ठीक है, आगे लिखो। अब देखो एक चीज, आपको ये पता है ना PF इक्वल टू EPM, EPM1, तो ये देखो P से M1 तक का डिस्टेंस, P से कहां तक का डिस्टेंस होगा, M1 तक का डिस्टेंस, अगर यहां से ध्यान दो
ओरिजिन से यहाँ तक का डिस्टेंस x1 x होगा। अगर ये पॉइंट x1 y1 ले ले, मतलब ये x है, ये डिस्टेंस x, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस ओरिजिन से डायरेक्टर तक का डिस्टेंस बेटा a by माइनस x, तो e इनटू a by e माइनस x, तो PF1 का डिस्टेंस क्या लिख सकते हैं a माइनस ex। उसी तरह से PF2 इक्वल टू e2, अब यहां से यहां तक का डिस्टेंस बेटा ये x प्लस a by e, तो e इनटू देखो यहां से यहां तक का लें a by e है और ये लेंथ x है, तो दोनों है a by e plus x equal to a plus e x, नोट करो, और ये दोनों को ऐड करो pf4 plus pf2, देखो क्या आ रहा है, ये वैल्यू a minus e x plus a plus e x कैंसिल आउट, क्या आ गया 2a जो मैं ऑलरेडी पहले लिख चुका हूं। कहीं पे किसी को दिक्कत समझने में? बहुत सब अभी ज्वाइन किया है, नंदन मुकेश सब कहाँ रहता है रे? एलिजाबेथ लेट तो लेट हो गया, खाखा के सुने में सोया हुआ रहता है। एलिजाबेथ ये किस समय ज्वाइन करती है बेटा एकलव्य? ये टाइमिंग है ज्वाइन करने का। अमित तू दो दिन रहता है, दो दिन नहीं। अविनाश ये टाइमिंग है ज्वाइन करने का रे? तू लोग मतलब एकदम अपने आप को क्या सही में जानवर मान चुके हो? मतलब क्लास टाइम पे ज्वाइन नहीं कर सकते, फिर बोलोगे समझ नहीं आ रहा। ऐसा करते ना क्लास को नाइट में शिफ्ट कर देते हैं, 8 से लेकर 12 बजे तक बोलते हैं सर को ना दिन भर सोए रहना। गधा की गया बिल्कुल। चलो आगे लिखो, इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स। थोड़ा रुक के सर, आवाज सही नहीं आ रहा है, कौन बोल रहा है? थोड़ा रुक के सर, थोड़ा लिख रहा हूँ सर। सौम्य प्रियांशु है कि नहीं? नहीं, फिर कहेगा समझ नहीं आ रहा। अरे डेविड नहीं दिख रहा, ऐसे दिखे या ना दिखे बात ही बराबर है। नरेश सोफी यस सर। लेकर अगला पॉइंट अब कौन आया? अब तो इसको भी गाली देंगे अच्छे से। अरे अभिज्ञान अर्पित प्रधान ज्वाइन कर लिया रे क्लास। देखो देखो क्रिकेट खेलने गया था रे, ओपीएल ओडिशा प्रीमियर लीग, एक ओवर में कितना रन मार रहा है, इसीलिए मैच में सही कर रहा है कि टाइम पे ही ज्वाइन कर रहा है ना। अभी ट्रैफिक में फंस गया था आने में, कि ब्रेकफास्ट करने में लेट हो गया था रे। चल ब्रेकफास्ट करने में देर हो गया था ना अभिज्ञान। लिख इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स होज एक्सिस आर, अच्छा 45 रन मारा था,
इसीलिए क्रिकेट खेलने का लेट ज्वाइन करता है. इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स व्हिच एक्सिस आर पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड सेंटर इज एच कॉमा के. एंड सेंटर इज एच कॉमा के. अब देखो कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल एलिप्स है, ठीक है. इसको मिटाने लगता है चार साल फोर्स लग जाता है ना? क्या रहा हो जल्दी आओ, बोर्ड साफ करने के लिए हमें आदमी की जरूरत है. 50-60 स्टूडेंट का सर हूज कोऑर्डिनेट आर इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स हूज एक्सिस आर पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड सेंटर इज एच कॉमा ए. मान ले कि ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है एक्स एंड वाई और ये रहा तुम्हारे ये मेजर एक्सिस, इसके लिए ये माइनर एक्सिस, के लिए ये सेंटर है एच कॉमा के. तो इक्वेशन कैसे लिखेगी या लिखेगा एक्स का, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल से उसी तरीके से लिखना है. बस एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, क्योंकि ये अगर ऐसे है तो ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू वन, जहां पे ए ग्रेटर देन बी है. तो ये एलिप्स इस तरह का होगा. अगर एलिप्स ऐसे हो गया बेटा तो यहाँ पे मेजर एक्सिस बिलोंग टू वाई एक्सिस है. अगर तुम ऐसे ही लिखो भी इक्वेशन, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन के वो चेंज हो जाएगा, यहाँ इक्वल टू मतलब यहाँ पे बी ग्रेटर देन ए हो जाएगा. अगर ऐसा एलिप्स है तो ऐसा एलिप्स है तो ए ग्रेटर देन बी, जहां x बड़ा है वो x एक्सिस के नीचे आएगा. अगर y ये एक्सिस बड़ा हो गया y एक्सिस के लॉन्ग, तो y एक्सिस के नीचे होगा तो वो बड़ा हो जाएगा b ग्रेटर देन a, ठीक है. ये ध्यान रखना, यहां तक एलिप्स के बारे में समझ में आया कि और भी डिफिनेशन लिखाओ क्या हुआ, और भी डिफरेंस लिखवाओ कितना से काम चल जाएगा. सब कुछ समझ आ रहा है, किसी को कोई डाउट है बोल, बता मैसेज तो क्या. ध्यान से देखना जो बोलने जा रहे हो. ये सेंटर, यहां फोकस एफ वन, सी कॉमा जीरो, यहां फोकस एफ टू माइनस सी कॉमा जीरो, ठीक है. एक सेकंड वेट कर. कभी कभी किसी बच्चे का तो F1 फोकस क्या है C कॉमा जीरो, ये फोकस F2 क्या है माइनस C कॉमा जीरो. यहां से यहां तक का लेंथ बेटा ये वर्टेक्स मान लो A, ये तुम्हारा A कॉमा जीरो, ये वर्टेक्स A डैश माइनस A कॉमा जीरो. हाँ मैं मैसेज आपने देख लिया था. देखो ये डायरेक्टर्स का इक्वेशन x इक्वल टू a बाई, ये डायरेक्टर्स का इक्वेशन x इक्वल टू माइनस a बाई. यहां तक आप दोनों को समझ आया? देख ये अभी
सेंटर ओरिजिन है, यहाँ से यहाँ तक का फोकस का लेंथ की बार, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ। अब यहाँ से ये कोऑर्डिनेट, ये बी है जीरो कॉमा बी, ये बी डैश है जीरो कॉमा माइनस बी। यहाँ तक किसी को समझने में कोई दिक्कत? अरे हाँ ना बोल। नो सर, एक ही दो बच्चे को दिक्कत नहीं है, बाकी सारे बच्चे बस पढ़ा बोला। मैं क्या बताया था, जब फोकस से होके परपेंडिकुलर लाइन गुजरेगा और ये फोकल एक्सिस यानी फोकी एक्सिस जो फोकस होके गुजरता है उस पर परपेंडिकुलर लाइन गुजरता है। देखो पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला बहुत लगभग 90% का कॉमन है, शेप साइज खाली अलग है, इक्वेशन अलग है। इसे हम क्या बोलेंगे? एलएलआर, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। ये L1 और इसे L2 ये परपेंडिकुलर है, फोकस से ऊपर परपेंडिकुलर लाइन। इसे हम क्या बोलेंगे? लेटेस्ट रेक्टम। और यहां से यहां तक का लेंथ को एलएलआर, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। अगर फोकस से होके कोई लाइन गुजर रहा है तो क्या है? ये फोकल कॉर्ड। अगर ये एक्सिस से परपेंडिकुलर लाइन कोई गुजर रहा है, ये डबल ऑर्डिनेट, लेटेस्ट रेक्टम भी डबल ऑर्डिनेट है, ये भी डबल ऑर्डिनेट है, लेकिन फोकस से होके गुजर रहा है इसीलिए ये लेटेस्ट रेक्टम इसका नाम पड़ा। और ये जो परपेंडिकुलर लेंथ है जो फोकस से होके नहीं एक्सिस मेजर एक्सिस पे परपेंडिकुलर जो कॉर्ड बनेगा इसे डबल ऑर्डिनेट बोलेंगे, इसे फोकल कॉर्ड बोलेंगे। यहां तक बुझला? अरे बुझला कि ना? Yes, sir. चल तो अभी मैं कुछ बच्चों के नाम लूंगा, मैं उसका थोड़ा शक्ल देखूंगा। अरे हर्षिता क्लास में है? Yes, sir. जिज्ञासा? Yes, sir. हबीबसा? Yes, sir. स्वयं? Yes, sir. सौम्या? Yes, sir. सत्य प्रकाश? प्रकाश दास? Yes, sir. प्रियांशु था, लेट से ज्वाइन करेगा रे बैल। रोहन? Yes, sir. यहाँ तो कितने दिक्कत समझने में? No, sir. चलो लिखो, थोड़ा सा मैं डेफिनेशंस के फॉर्म में भी लिखवा देता हूँ। जैसे हमने वहां पे पैराबोला देखा था तो यहाँ पे इस फोकस से भी पूछेगा तो भाई लेटेस्ट रेक्टम, इस फोकस से भी पूछेगा तो लेटेस्ट रेक्टम परपेंडिकुलर है। और फिर हम कोऑर्डिनेट भी डालेंगे तो इसके बाद लेटेस्ट रेक्टम भी कोऑर्डिनेट, ठीक है? इसका हम जनरल इक्वेशंस में देख लेंगे, ऐसे या ऐसे, ठीक है? बहुत सारा चीजें पढ़ना है, जैसे सर्किल में पढ़ाया था, जब सर्किल पढ़ाया था वहां भी हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ये सब बहुत कुछ पढ़ना था, ठीक है? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बहुत कुछ जो एडवांस के पॉइंट से पढ़ना होता है, लेकिन उतना पढ़ाएंगे तो ऐसे ही सबके पसीने उड़े पड़े हैं, हालत खराब है कि सर समझ नहीं आ रहा है कैसे पढ़े। एनसीईआरटी में तो इतना भी ना है, लेकिन फिर भी जितना हमें आप लोगों के लिए फंडामेंटली जरूरत है उतना तो पढ़ाऊंगा, चाहे समय कितना भी लगे, ठीक है? चलो लिखो कुछ काम, डिफिनेशन फॉर्म लिखवा दे। द लाइन, हाँ ये पैराबोला की इक्वेशन होगी, ध्यान रखना एलिप्स का ये फॉर्मेट का भी इक्वेशन है, ठीक है? लिखो द लाइन कंटेनिंग द टू फिक्स्ड पॉइंट्स, द लाइन कंटेनिंग द टू फिक्स्ड पॉइंट्स कॉल्ड फोकी। ये दो फिक्स पॉइंट है,
जिसे हम फोकी बोलते हैं, ऐसे ग्राफ बनाओगे, यहाँ पर फिक्स करो और एक लेंस ऐसे धागे वाला प्रेस किया रखो, उसको उसी रेस्पेक्ट में ऐसे घुमाओगे तो ऐसे सेप बन जाएगा सर। कॉल्ड सर यानी यहाँ जो फिक्स कर लो, देखते होगे ना, और ऐसे धागे वाला पेंट की लकड़ी का ऐसे धागा भी उसको उन्होंने बहुत किस्मत की तरह बना के वो धागा स्लिप हो जाए कि पेंट का अपना पोजिशन चेंज कर देगा, ऐसे सेप बन जाता है। कोशिश करना सर। हाँ बोल सर। कॉर्ड क्या बोलते हैं? कॉर्ड ये बेटा जो फोकस होके कोई लाइन लगता है फोकल कॉर्ड है। फोकल कॉर्ड ये भी है, ये भी है, ये भी है। कॉर्ड तो कैसे भी उनके गुजर जाए, जो फोकस होकर ना कुछ होता नहीं, कॉर्ड बोलते नहीं, इसे फोकल कॉर्ड बोलते हैं जो फोकस होकर कुछ है। अगर वही फोकल कॉर्ड फोकस से ज्यादा परपेंडिकुलर है ठीक है तो लेटर स्पेक्ट्रम है। फोकस से ऊपर जाने के लिए और से ज्यादा परपेंडिकुलर है मेजर एक्सिस पे और डबल ऑर्डिनेट है। ये क्या हो गया? डबल ऑर्डिनेट। और ये तुम्हारा क्या हो गया? फोकल को आप और कहीं और ऐसे ड्रॉ कर दो, कॉर्ड हो गया। लिखो द लाइन कंटेनिंग द टू फिक्स्ड पॉइंट्स कॉल्ड फोकी, मतलब प्लूरल फॉर्म में फोकस का इसलिए हम फोकी बोल रहे हैं, इज कॉल्ड द फोकल एक्सिस, इज कॉल्ड द फोकल एक्सिस एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व विद द फोकल एक्सिस आर कॉल्ड द वर्टेक्स। यानी ये तुम्हारा वक्र वर्टेक्स है जो ये फोकल एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, दोनों वर्टेक्स है ठीक है सर। फिर से रिपीट कर दीजिए। द लाइन कंटेनिंग द टू फिक्स्ड पॉइंट ब्रैकेट में लिखना कॉल्ड फोकी इज कॉल्ड द फोकल एक्सिस, ब्रैकेट में लिख लो फोकल एक्सिस ये यानी मेजर एक्सिस, and the point of intersection, and the point of intersection of the curve, ये देखो एक curve, the point of intersection क्या है? A और A dash, point of intersection of the curve with the focal axis are called the vertex of the ellipse. ठीक है, हो गया सबका? यस। आगे लिखो द वर्टेक्स इन द फिगर आर ए कोमा जीरो एंड ए डैश माइनस ए कोमा जीरो। A comma zero and A dash minus A comma zero. The distance between F1 and F2. Distance between F1 and F2. Is called the focal length. Is called the focal length. 2C हो जाएगा यहाँ से, आपको C यहाँ से, आपको C. The focal length. आगे लिखो the distance between the two vertex. The distance between two vertices. ये distance 2a already बता चुका हूँ और ये distance बता दूँगी. ठीक है? फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं, द डिस्टेंस बिटवीन एफ वन एंड एफ टू, यहां से यहां तक का डिस्टेंस एफ वन एंड एफ टू इज कॉल्ड द फोकल लेंथ,
the distance between the two vertices. The distance between two vertices, and A and A does give me distance between two A, is called the major axis. Between the two vertices, 2A is called the major axis. समझ आ रहा है? तुम लोग देखते, तुम लोग पाते हो, देखते तब ना देखते कितना समझ आ रहा है, क्या एक्सप्रेशन दे रहे हो, बाकी तो मुझे सब समझ आएगा. द डिस्टेंस टू वी, यहां से यहां तक का डिस्टेंस टू वी, देखो डिस्टेंस टू वी that is called the minor axis. And if B is 2B dash is a minor axis, A 2A dash is a major axis. Ye length beta 2A, yahan se yahan tak ka length 2A, ye aur ye length 2B. Yahan se yahan tak ka length 2C. Theek hai, ye to hai letter sector, ye to hai double ordinate, ye to hai focal point. यहां तक किसी को कोई समझने में दिक्कत? आगे लिखो. हो गया यहां तक सबको? बोलना, यहां तक हो गया सबका? यस सर. यस सर. लिखो आगे. द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस is called center. The point of intersection of the major axis and minor axis is called the center of the ellipse. Is called the center of the ellipse. ये तुम्हारा major axis है और ये तुम्हारा minor axis है. इसका जो intersection point O है, ये क्या बेटा? Center है किसका? Ellipse का. मैं already बता चुका था जब polynomial पढ़ा रहे हैं कि पैराबोला का सेंटर नहीं होता, नहीं तो सर्कल में भी सेंटर होता है, एलिप्स में भी होता है, हाइपर पैराबोला में भी होता है. ठीक है, आगे लिखो इसमें. एनी कोड ऑफ द एलिप्स, एनी कोड ऑफ द एलिप्स पासिंग थ्रू द सेंटर, any chord of the ellipse passing through the center gets bisected by it and is called the diameter. beta center se hoke koi chord ja raha hai, isi ye circle mein padhe ho na, to ye jo chord ho gaya beta, ye जो सेंटर से भी गुजरता है उसे डायमीटर बोलेंगे. चाहे ये हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो, कोई सा भी हो, ये सब डायमीटर कहलाएंगे. बुझिला कि ना? पक्का? ये सेंटर से होके जो गुजर रहा है, यानी ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये सब क्या कहलाएगा? डायमीटर. फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूं. एनी कॉर्ड ऑफ द इलिप्स पासिंग थ्रू द सर्कल, सॉरी पासिंग थ्रू द सेंटर गेट्स बाइसेक्टेड बाय इट, गेट्स बाइसेक्टेड बाय इट एंड इज कॉल्ड द डायमीटर. आगे लिखो. इसी में सबको पॉइंट बाय पॉइंट ले से डालते जाओ, लिखते जाओ. The major and minor axis together are, the major and minor axis together are known as the principal axis of the ellipse. अगर major axis और minor axis together are, जब दोनों को साथ में बोले तो principal axis of ellipse. अगर ये मेजर एक्सिस और ये माइनर एक्सिस को साथ में जब बोला जाए तो प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ एन एलिप्स.
यहां तक कोई दिक्कत किसी को? सबके सबका पहुंच रहा है? सात को पहुंच रहा है कि छह को कि सात को? लो सर, सात को नहीं आ रहा? लो सर, तो क्या अभी और ऑनलाइन ही पढ़ने का मन है? डबल डोज लिया नहीं हूं। अरे स्वास्थ्य है ना? अच्छा जी सर। बेटा तू तो बड़ा जल्दी ज्वाइन कर लिया, सबको याद रख रहा है कौन कितना अच्छे से ज्वाइन कर रहा है, कौन टाइम पे पढ़ रहा है। ठीक है सर, मैं 8-10 को ज्वाइन किया। कोई ना कोई ना, किसको कौन कौन मैसेज किया देख लेते हैं। चलो यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? नो सर। पक्का? चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। लिखो एनी कॉर्ड पासिंग थ्रू द फोकस, एनी कॉर्ड पासिंग थ्रू फोकस इज कॉल्ड द फोकल कॉर्ड। ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं, इज कॉल्ड अ फोकल कॉर्ड। एनी कॉर्ड पासिंग थ्रू द फोकस इज कॉल्ड अ फोकल कॉर्ड एंड एनी कॉर्ड परपेंडिकुलर टू द फोकल एक्सिस, एनी कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द फोकल एक्सिस फोकल एक्सिस इज कॉल्ड अ डबल ऑर्डिनेट, इज कॉल्ड अ डबल ऑर्डिनेट। अरे सिद्धार्थ क्लास में है कि नहीं है? हो सर। तो बुझी गए कि ना? बुझू छे सर। गुड। अरे प्रकाश दा समझ में आ रहा है? आ रहा है। नंदन? यस सर। यहाँ पे कोई दिक्कत? अरे पांडा ब्रदर्स, अभिजीत पांडा और अनुराग पांडा। यस सर। कहीं कोई दिक्कत? नो सर। ओके हाँ आगे लिखो, डबल ऑर्डिनेट तक की कहानी समझ आ गया? आगे लिख, ए पार्टिकुलर डबल ऑर्डिनेट, अ पार्टिकुलर डबल ऑर्डिनेट पासिंग थ्रू अ फोकस, पासिंग थ्रू अ फोकस। तो ये डॉटेड लाइन से दिखा रखे हैं, पासिंग थ्रू अ फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द फोकल एक्सिस, परपेंडिकुलर टू द फोकल एक्सिस इज कॉल्ड इट्स लेटस रेक्टम, इज कॉल्ड इट्स लेटस रेक्टम। अब ये चीज ध्यान दें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये यहां से बेटा जो लेंथ यहां तक डायरेक्ट्रिक्स का है, ठीक है, यहां से जो लेंथ डायरेक्ट्रिक्स का है ये लेंथ, वही लेंथ यहां से ये है। तो फोकस कोण सी कोमा जीरो की जगह पे आप इसे लिख सकते हो ए कोमा जीरो। क्या लिख सकते हो? क्योंकि यहां से ही डिवाइड कर दिया तो यहाँ डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन मिल गया, और ये इस पॉइंट से ही मल्टीपल कर दिया तो फोकस मिल गया। ठीक है, अगर ये ए कोमा जीरो हो बेटा तो ये फोकस कम हो जाएगा, ये फोकस हो जाएगा माइनस ए कोमा जीरो। यहां तक किसी कोई दिक्कत? ध्यान रखना ओरिजिन से फोकस ए इंटू ई, ठीक है,
फोकस ए इनटू यहां से इसे डिवाइड करो तो वर्टेक्स वर्टेक्स को इसे डिवाइड करोगे तो डायरेक्ट्रिक्स जीरो से फोकस तक आओ तो सी को ए से इंडिकेट करना ए कॉमा जीरो यहां से फिर वर्टेक्स पे आओ तो ए कॉमा जीरो इसे डिवाइड कर दो फिर यहां से डायरेक्ट्रिक्स पे आओ तो फिर इसे डिवाइड कर दो ए बाई अब लिखो हेडिंग लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऐसे ढूंढेंगे लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम यानी इसका लेंथ और स्टेंडिस पॉइंट लिखो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ये हम बोले समझ में आ गया ना जो फोकस को सी कॉमा जीरो के जगह पे ए कॉमा जीरो भी लिख सकते हैं ये जो रेशियो होगा सी और ए का ये सेम होगा तो यहां से अगर ये यही है तो इसे डिवाइड कर तो बी आ गया वर्टेक्स और वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट को इसे डिवाइड कर दैट इज द इक्वेशन आ गया अब लिख लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम अगर बेटा ये ए कॉमा जीरो है तो थोड़ा सा मैं कुछ कुछ इरेज करता हूँ फिगर तो बना लिया हूँ पहले ही नहीं बना रहा हूँ तो फिर मेरा क्या करता समझ लो पांडा इसको ए वन क्या होता है ये कोऑर्डिनेट ए कॉमा जीरो है तो ए कॉमा के वन के मान लो और ये क्या हो जाएगा ए कॉमा माइनस के हम बात कर रहे हैं लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम देखो अगर ये पॉइंट एल वन ठीक है एलिप्स पे लाइक कर रहा है ये कोऑर्डिनेट के इक्वेशन में डालेंगे तो के की वैल्यू निकालेंगे एक्स के जगह पे डालो यहां पे ए का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू वन बेटा ध्यान दे के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इसको ओपन करोगे ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर ए प्लस ए स्क्वायर आपस में मर गया तो ये के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख लिया इक्वल टू वन माइनस के स्क्वायर बुझी गला तो बेटा के स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू वन माइनस के स्क्वायर तो के की वैल्यू प्लस माइनस बी वन माइनस के स्क्वायर ये रूट में लगा लो समझ आया यस सर तो ये तरीका है दूसरा ध्यान दो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर को क्या हमने लिखा था याद करो प्रीवियस क्लासेस में ई स्क्वायर के बारे में क्या बताया था वन माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर याद करो कल के क्लासेस में ई स्क्वायर वन माइनस बी स्क्वायर या ए स्क्वायर आपको बताया था ई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ये ऑलरेडी कर चुका हूँ यहाँ से ई स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं वन माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर याद करो तो यहाँ पे लिख सकते हो यहाँ पे ई स्क्वायर की जगह पे वन माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर तो बेटा ये थे ये दूसरा पार्ट है दूसरे तरीके से लिख सकते हैं ये क्या रखना ज्यादा आसान ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू वन वन कट जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर तो बेटा के स्क्वायर इक्वल टू बी अगर दिख रहा है तो हम तो कैमरा हम थोड़ा उधर से कर देते हैं
उम्मीद करता हूँ कि आपको दिख रहा होगा, तो थोड़ा सा टर्न कर देते हैं और क्या। ठीक है, दिख रहा है? और यहाँ से बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर करके की वैल्यू प्लस माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए, अगर के की वैल्यू यहाँ प्लस वाला प्लस बी स्क्वायर बाई ए और माइनस वाला माइनस बी स्क्वायर है, तो ये टोटल है, यहाँ से यहाँ बी स्क्वायर है और यहाँ से यहाँ बी स्क्वायर है, तो लेंथ ऑफ लेटर सेक्टर ऑफ एल आर इक्वल टू 2 इंटू बी स्क्वायर अपॉन ए। ये ध्यान रखना है, एलिप्स का लेंथ ऑफ लेटर सेक्टर 2 इंटू बी स्क्वायर अपॉन ए, नोट कर लो। यहाँ तक समझने में दिक्कत? आजकल ज्योति भी पूरा कंटिन्यू मैथ पढ़ रहा है, क्या बात है, अच्छा लगा। कंटिन्यू यहाँ आके भी पढ़ना है तो बहुत पिटेंगे। यहाँ तक किसी को दिक्कत? इस तरीके से चल, ये तरीके ध्यान रखना, और ये स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर और बी स्क्वायर बनी ए स्क्वायर होता है। ठीक है, तो के की वैल्यू ये बी स्क्वायर अपॉन ए, ये माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए, तो दोनों लेंथ टू इंटू बी स्क्वायर अपॉन ए। अगर नोट कर लिए तो मैंने इसके पास डिफरेंट तरीके से भी बताना है, कर लिए नोट? Yes, sir. Erase करो? Yes, sir. No, sir. Yes, sir. इतना लेट तक क्या कर रहा है? मैं तुम्हें क्या समझ रहा हूँ बेटा? मैथ से हमेशा दिमाग खोल के रखना पड़ेगा। नरेश से आधे घंटे लेट से आएगा। वो पता है, तू सबका टीम ही था ना, खाना सोना रात में तो पबजी में लगा, पबजी तो बंद हो गया, कुछ और चीज में लगा रहता होगा ना, फायरफॉक्स के क्या कौन सा गेम हो गया आजकल खेलना, के रील्स बना रहे हो सर मेरे जैसे, उस पर झुक के गाने गए है ना, अच्छा मूवी है ना, पट्टू का इंतजार करते टू इंटू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो बी स्क्वायर की जगह पे क्या लिख सकते हो, जल्दी बोलो, ए स्क्वायर। अब यहां से निकालो बी स्क्वायर की जगह पे यहां से, ठीक है, तो ये क्या जाएगा, बी स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर की जगह पे लिखा हो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर लिख सकते हो। लेंथ ऑफ लेटर सेक्टर इक्वल टू 2 इनटू बी स्क्वायर के जगह पे या ए स्क्वायर को हम लिख लेते हैं ए स्क्वायर 1 माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो बी स्क्वायर के जगह पे लिख रहा हूं ए स्क्वायर इनटू 1 माइनस स्क्वायर बाय ए, ऐसे कट गया बेटा 2 ए इनटू 1 माइनस ए स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत? एक ये भी लिख सकते हैं, दूसरा तरीका टू इंटू बी स्क्वायर अपॉन ए, लेंथ ऑफ लेटर सेक्टर को टू से मल्टीप्लाई कर लो तो 4 बी स्क्वायर अपॉन 2 ए। ठीक है, या ये भी लिखने की जरूरत नहीं था,
अच्छा ठीक है, फोर बी स्क्वायर अपॉन टू है, यहाँ देखो इसको लिख सकते हैं टू बी का होल स्क्वायर अपॉन टू है बेटा, ये लेंथ टू बी माइनर एक्सिस, तो लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, बुझेगा, यानी ये जो लेंथ है टू बी इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू ए कर दो लेंथ ऑफ लेटेस्ट वेक्टर मिल जाएगा। यहां तक समझ आया? अरे बोला पूछ ले ना, समझ आया तो मनोवर्त कर रखा क्या? अरे रिश्तेदार यस सर, समझ आया? यस सर। हबीब साहब? यस सर। जिज्ञान साहब? यस सर। यस सोम्य रंजन है? जी सर। जय जगन्नाथ, तो बोलना आजकल भूल गया रे? जय जगन्नाथ सर गुरु जी। थैंक यू, धन्यवाद, हम भी थैंक यू बोल। चल अब यहाँ पे ध्यान दे, जो हमने ये निकाला मतलब ओवरऑल ध्यान दो, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, अब हमने ये जो निकाला टू ए वन बाय सी स्क्वायर, देख इसमें भी कमाल का रिलेशन दिख रहा है, एल एल आर इक्वल टू ए को इधर भेजता हूँ, ई को कॉमन लेता हूँ, तो बेटा टू ई कॉमन लेंगे तो यार डिवाइडेड बाय ई हो जाएगा, मैं ई को मल्टीप्लाई करूँ यानी ए बाई ई, ठीक है, यहाँ पे ए बाई ई ई से मल्टीपल करोगे तो ए हो जाएगा माइनस ए, ठीक है। देखो ये जो लेंथ हो गया वन बाई ए माइनस ए, तो बेटा ये लेंथ ए है और यहां से यहां तक लेंथ वन बाई ए है, तो डिस्टेंस ऑफ फोकस टू कोरस्पोंडिंग डायरेक्ट्रिक्स, डिस्टेंस ऑफ यानी ये डिस्टेंस यहां से यहां तक का डिस्टेंस बेटा ए और यहां से यहां तक का डिस्टेंस ए बाई, यहां से यहां तक का डिस्टेंस ए बाई, यहां से यहां तक का डिस्टेंस ए, तो ए बाई माइनस ए, तो ये लेंथ हो गया ना फोकस टू डायरेक्ट्रिक्स, तो लिखो उसको हम लिख सकते हैं टू इंटू ई इंटू लेंथ ऑफ फोकस टू कोरस्पोंडिंग डायरेक्ट्रिक्स, कोरस्पोंडिंग डायरेक्ट्रिक्स, फोकस टू डेली पर फोकस फ्रॉम कोरस्पोंडिंग डायरेक्ट्रिक्स, अगर ये फोकस है तो यहां से यहां तक क्या जाएगा, अगर इस फोकस को कंसीडर करें तो यहां से यहां तक का लेंथ मैं टू से मल्टीपल कर लो इसेंट्रिसिटी से मल्टीपल कर दो तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट वेक्टर तुम्हें मिल जाएगा, अभी तक तो हम लेटेस्ट वेक्टर की वो कहानी पढ़ रहे थे, अभी एक दिन और कहानी पढ़ेंगे फिर क्वेश्चन पे आएंगे, टू डेज मिनिमम और चलेगा लेटेस्ट वेक्टर, आज क्या क्या पढ़े आप लोग लेटेस्ट वेक्टर में नोट कर लिया, ध्यान होना चाहिए फोकल कोर फिक्स पॉइंट फोकस यानी फोकी, लेंथ ऑफ लेटेस्ट वेक्टर, कोऑर्डिनेट ऑफ लेटेस्ट वेक्टर के एक्सट्रीमिटी पॉइंट, ठीक है, फोकल कोर, इक्वेशन ऑफ
एलिप्स जब एलिप्स का सेंटर एच कोमा के हो तब का इक्वेशन ऑफ एलिप्स हर पोजीशन में लेंथ ऑफ रेक्टम स्पेक्ट्रम कोई भी फॉर्मेट में दिया हो फट से ध्यान होना चाहिए डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन एस इक्वल टू ए बाई एक्स इक्वल टू माइनस ए बाई फोकल कोड का कोऑर्डिनेट ए कोमा जीरो डायरेक्ट्रिक्स का कोऑर्डिनेट ए कोमा जीरो और डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन प्रिंसिपल एक्सिस किसे बोलते हैं माइनर एक्सिस किसे बोलते हैं मेजर एक्सिस किसे बोलते हैं सेंटर किसे बोलते हैं ये जितने आपने पॉइंट डिस्कस किए हैं सब आपके माउथ पे रहना चाहिए जिस तरह से मुझे याद है उस तरह से तुम्हें भी याद होना चाहिए हाँ किनारे अरे मौन क्यों हो गया क्योंकि तो ज्यादा हो गया अरे बुझ रहा है कुछ तो बोल रहे उस तरह से मुझे ये सारे ध्यान में है याद है उस तरह से आप सबको याद होना चाहिए कोई तो बोल रहे राहुल यस सर यस सर यस सर वनिता यस सर जिस तरह से मुझे ये समझ में आ रहा है उसी तरह से तुम सबको आना चाहिए नहीं तो सात के बाद मिल और मैथ्स में याद करने की कोई चीज नहीं होता है सब कुछ समझना होता है कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट याद कर कितना करोगे ये बकलोज ही ना है किरण के मात लो ठीक है लकड़ा है लकड़ी ये मैथ्स है आपके कॉन्सेप्ट को समझने पड़ेंगे चाहे जैसे भी समझ समझने का स्टाइल कैसे भी डेवलप करिए तुम्हें करना पड़ेगा कल से लेके अभी तक एलिप्स में कोई भी प्रॉब्लम कोई भी दिक्कत तो पूछने का क्योंकि टाइम हो चुका है इसीलिए मैं अब कोई नया टॉपिक नहीं ले रहा हूँ नया इसमें तो और 15 मिनट लग जाएगा तो पीछे वाले सर जो भी आने वाले गड़बड़ हो गया तो चलो कोई समस्या नहीं है तो आज के लिए यही तक फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या रे सही है चलो पूरी चलो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड ओके बाय हाय सर थैंक यू सर थैंक यू कल मैं तेरा गाना है तो मैं अंग्रेज बहुत खा रहा है मेरा नाम चाहिए कुछ नहीं हरी तेरे को तेरा नाम चाहिए ना